क्रिया आज का हमारा शीर्षक है क्रिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी लैंग्वेज, हिंदी व्याकरण। और आज का हमारा शीर्षक है, टॉपिक है क्रिया। सबसे पहले हम लोग क्रिया की परिभाषा के विषय में जानेंगे। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग हर समय कुछ ना कुछ काम करते हैं, वही काम करना, जो भी काम हम लोग करते हैं उसे ही क्रिया कहा जाता है। तो जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन सी क्रिया कर रही हूँ, पढ़ाने की, और आप पढ़ रहे हो तो ये भी एक क्रिया होती है। क्रिया को इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, खाना पकाना, खाना खाना, हंसना, रोना, दौड़ना, सोना इत्यादि। ये सारी वो क्रियाएं हैं जो हम लोग अपने दिनचर्या में, डे टू डे की लाइफ में करते हैं। तो हर समय कोई भी बंदा जो भी चीज़ कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे एक बच्चा सो रहा है, राधा खाना खा रही है, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, राधा क्या कर रही है, राधा खाना खा रही है। माता जी खाना पका रही हैं, तो इसमें माँ क्या काम कर रही है, कुछ काम कर रही है, वो काम क्या है, खाना पकाना। तो ये खाना पकाना भी एक क्रिया होती है। दौड़ना, हंसना, बोलना, बात करना, सोना, रोना, मतलब ये जो भी सारे काम हम लोग करते हैं, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो जो भी काम हम लोग करते हैं उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसा कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है, काम करने वाले शब्द को ही क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे बालक खेल रहा है, तो बालक कुछ काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना यहाँ पे क्या हो गया, उसकी क्रिया हो गई। ऐसे ही गीता खाना खा रही है, तो उसका खाना खाना क्या हो गया, गीता का काम करना, मतलब क्रिया। तो गीता कौन सी क्रिया कर रही है, कौन सा काम कर रही है, वो खाना खा रही है। तो जो भी काम हम लोग करते हैं हर समय कुछ ना कुछ आदमी काम करता है, अगर वो सो रहा है तो वो भी एक, सोना भी एक क्रिया होती है, ठीक है। धोबी कपड़े धो रहा है, तो कपड़े धोना भी एक क्रिया ही होती है, क्योंकि वो एक काम है, और जो भी काम हम लोग करते हैं उसे ही क्रिया कहा जाता है। मोर नाच रहा है, तो मोर कौन सी क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, नाच रहा है, तो नाचना भी एक क्रिया होती है, एक एक्शन होता है। हम सभी कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ऊपर के चित्रों में भी खेलने, सोने, धोने और नाचने का काम हो रहा है। काम को बताने वाले शब्द को ही क्रिया कहते हैं। जैसे काम बताते हैं ना कि हाँ ये पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, मैम आपको पढ़ा रही हैं, तो इसमें मैम कौन सी क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, आपको पढ़ा रही है, और आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर ये वीडियो सुन रहे हो, तो ये भी एक क्रिया होती है, ठीक है। सुनना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है, और जो मैम आपको पढ़ा रही हैं ये भी एक क्रिया ही है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, सिंपल शब्दों में उसे ही क्रिया कहा जाता है।